मालिक पक्ष के संगठन सीसीपीए एवं श्रमिक संगठनों के बीच हुए 20% चाय श्रमिकों को बोनस दिए जाने के फैसले का स्वागत सभी श्रमिक संगठनों ने दिल खोलकर किया है। इसे लेकर चाय बागान के श्रमिकों में भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। दुर्गा पूजा से पहले लगभग 7 अक्टूबर से बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। इसे लेकर चाय श्रमिकों सहित सभी श्रमिक संगठनों ने स्वागत जताते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए एनईआई द्वारस न्यूज का यह विशेष रिपोर्ट। द्वारस इलाके के लगभग 168 चाय बागानों में यह बोनस दिए जाएंगे। वहीं 39 रुग्ण चाय बागानों में पिछले वर्षों के हिसाब से 1.5% अधिक बोनस दिए जाने की बात कही गई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लुजू नाइक। आप चाय बागान में हैं? चाय बागान में हैं। तो इस बार मालिक पक्ष द्वारा और श्रमिक संगठन के द्वारा 20% बोनस आप लोगों का तय हुआ है, 20% मिल रहा है, कितना खुश है आप लोग? ना, हम लोग तो खुश है क्योंकि जिस तरह का महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के हिसाब से हम लोग 20% है तो 20% हम लोग को अच्छी लगी जी। तो श्रमिकों में पूरी खुशी है? हाँ, अभी तो खुशी है। हम लोग तो अभी जानकारी नहीं हुए, आप लोग से जानकारी मिल रहेगा 20% हो रहे हैं बोलकर। कौन सा चाय बागान है ये? हल्दीबाड़ी टी गार्डन। श्री मनोज तिग्गा जी, मनोज जी, ये सीसीपीए के बैठक में 20% बोनस तय हुआ है चाय श्रमिकों को दिए जाने का, इससे श्रमिकों में कितनी खुशी है और आप लोग कितना सेटिस्फाई हैं? देखिए, बोनस का चाय बागान इलाका में एक अलग महत्व है इसका। श्रमिक सारा वर्ष काम करते हैं और पूजा से पहले हुए श्रमिक संगठन एवं मालिक की ओर टकटकी लगाए रहते हैं कि इस बार अपना बोनस कितना होगा। लेकिन इस बार सीसीपीए ट्रेड यूनियन के माध्यम से जो हुआ, इससे पहले बहुत दिन पहले मिला था, जैसे हमारे सांसद साहब ने कहा कि 20% मिला था बोनस, लेकिन 2010 के करीब में मिला 2010 के करीब में मिला था, लेकिन उसके बाद में 20% बोनस मिला नहीं था। लेकिन बीते साल 18% 18.5% मिला, लेकिन इस बार जो अच्छे चाय बागान है उसमें 20% जो रुग्ण चाय बागान है वहाँ बीते साल के जो बोनस मिला था उसे 1.5% अधिक बोनस मिला है। क्योंकि श्रमिक के हाथ में पैसा तो प्रत्येक महीना आता है, लेकिन बोनस का मज़ा कुछ अलग होता है। हम लोग भी जब छोटे थे उस समय माँ का उंगली पकड़कर बोनस का पैसा लेने के लिए जाते थे, तो उस समय का माहौल, उस समय का उत्साह अलग, गुदड़ी बाज़ार का आनंद अलग होता था। तो निश्चय ही जो चाय बागान पर आधारित मार्केट या बाज़ार हैं वे भी बोनस की ओर टकटकी लगाए रहते हैं कि इस बार कितना बोनस मिलेगा। इस बार कोरोना से सभी व्यवसाय से लेकर के छोटे से लेकर के बड़े सभी ये कोरोना महामारी में पीड़ित हुए हैं, बहुतों का व्यवसाय नष्ट हुआ है, लेकिन 20% बोनस होने से श्रमिकों के साथ साथ एक व्यवसाय माहौल में भी खुशी का माहौल है। क्योंकि वो पैसा जो श्रमिक के पास में आता है तो वह खरीद के लिए तो मार्केट में ही जाते हैं, तो इसलिए व्यवसाय माहौल भी चाय बागान और मालिक और श्रमिक की ओर देख रहे हैं कि 20% बोनस देने से जो कोरोना महामारी में अपना नुकसान हुआ है, जो मंदी हुआ है, उसमें काफ़ी हद तक उनको लाभ मिलेगा। और मैं आशा करता हूं कि इस तरह का बोनस अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है और इसका फ़ायदा श्रमिकों को मिलेगा, और जो बोनस का पैसा मिलेगा मैं आशा करता हूं कि श्रमिक इसका सदुपयोग करेंगे और इसका लाभ लेंगे। सर, ये जो बोनस इस बार 20% मिला है, इसके लिए आप किसको श्रेय देना चाहते हैं? देखिए, इस चाय का मार्केट तो बहुत अच्छा है, श्रमिक भी मन लगाकर काम करते हैं और मालिक पक्ष भी मालिक पक्ष को भी दयावान होना चाहिए, क्योंकि श्रमिक सारा वर्ष श्रम देते हैं और मालिक पक्ष जो होता है अपना अर्थ लगाते हैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। मालिक अपना पैसा लगाते हैं लेकिन श्रमिक अपना श्रम डालते हैं, तो निश्चय ही मालिक को तो फायदा मिलता है, उसका फायदा का जो अंश, वो श्रमिक का जो हक बनता है नियमानुसार, वो निश्चय ही जो 20% मिला है आने वाला समय में भी मालिक जो है माने अच्छी तरह से विवेचना करके आने वाला समय भी इसको बरकरार रखे और इसका लाभ श्रमिकों को मिले। क्योंकि श्रमिक और मालिक मिलकर के आने वाले समय में चाय बागान को आगे लेकर के चलते हैं, क्योंकि एक दूसरे के परिपूरक है। मालिक के बिना श्रमिक अधूरा है, श्रमिक के बिना मालिक अधूरा है, अर्थात इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री को भी श्रमिक को मदद करना पड़ेगा और श्रमिक को भी इंडस्ट्री को मदद करना पड़ेगा। एक दूसरे के मदद के फलस्वरूप आने वाले समय में चाय बागान आगे बढ़ेगा और इसी तरह का बोनस श्रमिक को मिलेगा और श्रमिक के मुख में खुशी का माहौल रहेगा, खुशी का वातावरण रहे, ये हम लोग चाहते हैं। इस बार
20% बोनस तो अवश्य मिले हैं। निश्चय ही श्रमिकों के मुख में खुशी का एक माहौल दिख रहा है, एक वातावरण दिख रहा है। तो आने वाला जो दुर्गा पूजा, काली पूजा और छठ पूजा जो है, इसको श्रमिक खुशी से मनाएं और इस कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग और अपना जो सैनिटाइज़र है उसको भी ध्यान में रखते हुए खुशी खुशी दुर्गा पूजा, काली पूजा, 25 दिसंबर ये सब मनाएं और आने वाला समय में खुशी का वातावरण रहे। और इस महामारी में मैं चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और महामारी से लड़ने के लिए अपने अंदर जो इम्यूनिटी पावर है उसको भी बढ़ाइए और स्वास्थ्य के प्रति सबसे सचेत रहिए। तो भारत जी, 20% बोनस CCPA मालिक पक्ष का संगठन और श्रमिक संगठनों में तय हुआ, इसे लेकर कहाँ तक खुशी है और क्या राय है? सबसे पहले तो नमस्कार रमन जी, मैं चावागान तृणमूल कांग्रेस मजदूर यूनियन के केंद्रीय कमेटी के सचिव तबारक अली। देखिए, 20% बोनस हुआ है, इसमें चाय बगानों में, श्रमिकों में, सभी में खुशी का माहौल है। हम लोग शुरू से ही दावी करते आ रहे थे कि इस बार जब लोग कोविड के टाइम में अपने घर के अंदर, दरवाजे के अंदर बंद थे, घर के अंदर बंद थे, तब हमारे चाय श्रमिक चाय बगान को बचाने के लिए अपने जान बाजी में लगा करके वो लोग काम कर रहे थे। और 20% का जो दावी है ये एक निज दावी है और ये दावी को लेकर ही शुरू से तृणमूल कांग्रेस गेट में आंदोलन कर रही थी। आज जो भी हो, कल रात मैं मीटिंग में था CCPA के साथ, हम लोग का वर्चुअल मीटिंग DBIT से हुआ और होने के बाद में हम लोगों ने, मालिक ने बहुत टाल बहाना लगा रहा था कि 1850 बाद में 1950 आया। हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि इस बार का जो चाय का दाम है आकाश छुआ है और डुआर्स में जिस प्रकार से कोविड के टाइम में हमारे चाय श्रमिक काम किए हैं उसके प्रतिदान के रूप में 20% बोनस होना चाहिए। मालिकों ने रात 7 बजे उन्होंने कहा कि हम 20% बोनस देने के लिए राजी हैं और डिक्लेयर किए, हम बहुत खुश हैं। तो श्रमिकों में कितनी खुशी है इसे? पूजा से पहले बोनस? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, श्रमिकों में बहुत ही खुशी का लहर है 20% बोनस। और जो सारे छोटे छोटे चाय बागान थे 39 थे, 39 में हम लोगों ने अलग से बैठा और अलग से बैठने के बाद में तमाम ऑपरेटिंग यूनियन थे, उनके सेंट्रल लीडर थे, हम लोग तमाम बैठ करके हम लोगों ने सिद्धांत लिया कि लास्ट ईयर जो बोनस हुई थी, जो सब रुग्ण चाय बागान है, सिख गार्डन है, उन लोगों को 1.5% जो है वो ऐड किया जाए उन बोनसों में। तो जैसे कटहलगुड़ी चाय बागान में लास्ट 1350 था, 1350 होने के बाद में इस बार हम लोगों ने 1.5% ऐड किया है। 1.5% ऐड करने के बाद में वहाँ का जो बोनस है वो आपका 15% हुआ है। जिस प्रकार से चामुर्ची का आपका बोनस था लास्ट ईयर 1450, जो इस बार 1.5% बढ़ करके 16% हुई है। इसी तरह से तोतापाड़ा चाय बागान का 11.5% था और उसको 1.5% ऐड करने के बाद में वो 13% हुआ है। तो यही है, हम लोग बहुत खुश हैं और चाय बागान के सारे श्रमिक खुश से 20% बोनस पाने के बाद। 7 अक्टूबर से बोनस देने के बाद CCPA ने डिक्लेयर किया है, हम लोग CCPA को धन्यवाद जानते हैं। आज CCPA और ट्रेड यूनियन के बोनस मीटिंग के लेके बैठा हुआ था और इसमें हमें 20% बोनस पास हुआ और इससे काफ़ी श्रमिक भी खुश है। और ये काफ़ी साल के बाद ये 20% हुआ, क्योंकि 2010 में जब विकास परिषद के आंदोलन से 20% बोनस हुआ था, उसके बाद बीच में ब्रेक हो गया और आज के दिन में भारतीय टी वर्कर्स यूनियन के द्वारा जो आंदोलन चला, 3 से लगातार आंदोलन चला और उसको देखते हुए कंपनी ने थोड़ा इस बार धक्का लगा, फिर ये आके बोनस मीटिंग जल्दी से जल्दी बिठाया। आज एक महीना पहले ऐसे नहीं होता था, आज एक महीना पहले से आके श्रमिक का बोनस मीटिंग के लिए मीटिंग बुलाया गया और मैं बहुत खुश हूँ कंपनी से भी, जो आप सब 20% बोनस का घोषणा किया, इसके लिए हम सब बहुत खुश हैं, श्रमिक भी खुश है। इससे श्रमिक में उत्साह बढ़ेगा, काम करने में एनर्जी आएगा और पूजा हम लोग धूमधाम के साथ मनाएंगे और आने वाला दिन इसी तरह हमारा श्रमिक को यही बोलना चाहेंगे, आप लोग इसी तरह हमको सहयोग कीजिएगा, आंदोलन का रूपरेखा जैसे जैसे होता है उसको भाग लीजिएगा। जरूर आने वाला दिन जो भी पेंडिंग इशू है, सब स्टाफ और चाहे श्रमिक का जो इनिशिएटिव है पति पैसा है वो भी बढ़ेगा। इसी तरह आप लोग हमारे आंदोलन में भारतीय टी वर्कर यूनियन से जुड़कर आंदोलन कीजिएगा, जरूर हम लोग का जो भी डिमांड्स है, पेंडिंग डिमांड्स है, वो फिल होगा। धन्यवाद।